अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अयोध्या में मंदिर का निर्माण कहां तक पहुंचा है, इस पर हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ने बात की मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र से। सुनिए ये खास बातचीत। जो घर बन रहा है भगवान राम का, उस घर के पीछे मंदिर निर्माण समिति का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जिस शख्स की बात किए बिना इस पूरे निर्माण की बात नहीं हो सकती, वो शख्स है नृपेंद्र मिश्रा। बहुत सीनियर IAS अधिकारी हैं और रिटायरमेंट के बाद सर ने जो मंदिर है उस पर बहुत काम किया। सर, मैं लगातार आपसे मिलता रह रहा हूँ। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो थी सर, जब आपसे मंदिर निर्माण ट्रस्ट निर्माण समिति बनी थी, उस वक्त आपके सामने बहुत टेंशन थी, बहुत चुनौती थी, नींव कैसे बनेगा, मंदिर कैसे बनेगा, लेकिन बहुत कम और रिकॉर्ड टाइम में ये जो काम हुआ है। सबसे पहले मैं फीलिंग जानना चाहता हूँ कि इस चुनौती को जो आप लोगों ने पूरा किया, वो कैसी फीलिंग है आपके अंदर अभी? मैं केवल ये कहूँगा और बहुत सच्चाई से आपको बता रहा हूँ, मेरे लिए ये एक तरीके से डिवाइन असाइनमेंट था। मैंने ये बात कही है, मुझे तनिक भी संकोच नहीं है, क्योंकि मैं आशा नहीं कर रहा था कि यह कार्य या इस कार्य में मैं एक हिस्सा बन सकूंगा। स्वाभाविक है, क्योंकि आपने जैसा कहा, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसके पीछे एक दुखद कहानी यह है कि 500 वर्ष क्या हजारों वर्ष में कोई न कोई जनरेशन हमारा गुजरता चला गया सपने देखते हुए कि भगवान अपने स्थान पर पुनः विराजित हो सकेंगे। आज के हमारे जनरेशन के लोगों, आपके लोगों ने भी देखा होगा कि वर्तमान में रामलला किस प्रकार एक अस्थायी निर्माण में हैं। जो आज की स्थिति है उससे भी खराब स्थिति थी आज से कुछ वर्ष पूर्व जब टेंट में थे। तो ये सबके सपनों की, जो बीते हुए लोग हैं वह, जो वर्तमान में हैं वह, जो भविष्य में होंगे वह, सबका सपना साकार हो रहा है। ये लाइन शायद उसी सपने की गवाही दे रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ से, आपने अच्छा किया शुरुआत किया कि यह लाइन, जबकि इन्हें मालूम है कि 23 तारीख को जी, ये जो वर्तमान भगवान प्राण प्रतिष्ठित होंगे रामलला, उनका दर्शन कर सकेंगे, लेकिन ये किसी प्रकार से अपने को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि इनको मंदिर का नहीं, इनको प्रभु की दर्शन करना, और तो इसलिए 10-15 दिन पहले ये प्रभु का दर्शन जो है ये कर लिए। ये जहाँ पर हम आप चल रहे हैं, ये एक नया मार्ग है जी। यह मार्ग मंदिर मार्ग है जो कि रामलला के मंदिर को जोड़ता है जी। यह लगभग 800 मीटर है। मैंने आपसे इसलिए भी अनुरोध किया कि हम आप यहाँ पर मिलें जी, क्योंकि यहाँ जो एक आप ये निर्माण कार्य देख रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है। जो भी श्रद्धालु आएंगे वो पहले यहाँ मुड़ेंगे, ठीक है, उधर से एंट्री होगी, उधर से आकर के यहाँ आएंगे, ठीक है, यहाँ अपनी सभी वस्तुओं की जांच कराएंगे, स्कैनिंग मशीन होगी, वस्तुओं को जांच कराकर आगे एक निर्माण है जिसको कहते हैं पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर। तो वहाँ पर सुविधा केंद्र है श्रद्धालुओं के लिए, अपने सामान को लॉकर में जमा करेंगे और उसके बाद फिर वो वापस आकर के यहाँ मिलेंगे और यहाँ से मंदिर की ओर जाएंगे। ये यद्यपि लगता बड़ा सरल है, लेकिन ये है बहुत कठिन कार्य। इसके एक एक जो पैनल हैं, जो स्टील के पैनल आप देख रहे हैं, और इसके ऊपर जो निर्माण कार्य GRC का होगा, वो टेक्निकली बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग सलाह से बनाया जा रहा है। बहुत सारे केबिन्स बनाए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो लोगों को जल्दी जल्दी भी सिक्योरिटी पॉइंट से चेक करके निकाला जाए, इसकी भी तैयारी यहाँ पे है। इसमें 16 मशीनें। अच्छा।
और इसमें कुल मिलाकर के आगे चल करके 32 कैबिन होंगे। मतलब श्रद्धालुओं को दिक्कत भी ना हो और सुरक्षा से कोई समझौता भी ना हो, दोनों की यहाँ पे व्यवस्था है। क्योंकि 100% जो सामान लेके जाएंगे श्रद्धालु, उनको यहाँ आना ही है, उनकी जांच होनी है। इसलिए ये हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की आवश्यकता थी कि यहाँ पर उनको स्कैनिंग फैसिलिटी दी जाए। ये वो 500 साल का इंतजार है। ये जो सर परिक्रमा मार्ग है, जो परकोटा है, ये 730 मीटर दिखने में बहुत छोटा लग रहा है, यानी श्रद्धालु आएंगे तो लगभग पौना एक किलोमीटर जो है उनको परिक्रमा। ये 795 मीटर है जी, 795 मीटर की परिक्रमा है ये, और इसमें जो वस्तुएं इस्तेमाल हुई हैं, उदाहरण के लिए जो पत्थर, जो बंसी पहाड़पुर का स्टोन इस्तेमाल हुआ है, ये मोटा मोटी जो मंदिर में स्टोन इस्तेमाल हुआ है उसका दुगना यहाँ पर उपयोग में। मतलब मंदिर निर्माण एक चुनौती थी और परकोटा जो है उसका डबल, बहुत बड़ी चुनौती, डबल निर्माण हो गया उसका। परकोटे में 6 मंदिर हैं जी, जो कि 4 कोनों में है और 2 आमने सामने, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी, जी इन लोगों के। ये लोगों में एक और महत्वपूर्ण मंदिर है जो अन्नपूर्णा का है। अन्नपूर्णा का मंदिर वही है जहाँ एक समय जब ये सब कुछ भी नहीं था तो सीता रसोई की एक छोटी से मंदिर की स्थापना थी, उसको शक्ति के रूप में अन्नपूर्णा मंदिर बनाया गया है, जिससे कि उसका रखरखाव हो सके। और उसमें यह व्यवस्था होगी कि भगवान का प्रसाद वहीं बनेगा और वही प्रसाद फिर भगवान को जो है भोग लगाया। सर, लोगों की क्यूरियोसिटी एक बात ये इस बात की है कि एक ग्राउंड फ्लोर पे मंदिर हो सकता था, फिर फर्स्ट और सेकंड फ्लोर बनाने की जरूरत क्या थी, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, बहुत आपने सही कहा, शुरू शुरू में जब हम लोग आए जी ट्रस्ट, तो जो आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया था हमारे आर्किटेक्ट सोमपुरा साहब चंद्रकांत जी, तो उन्होंने जो नक्शा बनाया था उसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, लेकिन उसके बाद सबकी कल्पना हुई कि रामलला तो ग्राउंड फ्लोर में होंगे, उसमें तो किसी प्रकार की विचार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह वही रामलला है जिसका एक स्वरूप वर्तमान मंदिर में है, जिसके बारे में सबकी श्रद्धा है कि वह प्रकट हुए, तो इसलिए वहां तो रामलला बनना है। लेकिन प्रायः लोग पूछते हैं कि राम के मंदिर में सीता जी जो शक्ति रूपा हैं, उनका मंदिर ना हो, राम के साथ ना हो, ये कैसे संभव है? तो इसलिए यह उचित समझा गया कि फर्स्ट फ्लोर होगा, फर्स्ट फ्लोर में राम दरबार होगा, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी और 2 भाई, उनके भाई शत्रुघ्न और भरत जी, हाँ, तो सब भ्राता हनुमान जी, राम जी, सीता जी, इनका राम दरबार होगा। और यदि श्रद्धालु नीचे से दर्शन करके प्रथम तल पे जाना चाहता है तो उसको जाने की अनुमति होगी। और सेकंड फ्लोर, दूसरे फ्लोर पे विशेष अनुष्ठान के लिए व्यवस्था रखी गई है, वह अनुष्ठान जो एक प्रकार से ट्रस्ट की अनुमति से, ट्रस्ट के स्पॉन्सरशिप में होगा, और वहाँ आम श्रद्धालु को जाने की अनुमति नहीं होगी। तो श्रद्धालु के लिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर एकमात्र ऐसे अनुष्ठान के लिए व्यवस्था रखी गई। तो कुल मिलाकर के आप देखें कि जो विचार के बाद एक रचना की गई मंदिर की, केवल यह नहीं था कि भव्य होगा इसलिए बनाया जाए,
इसलिए था कि वो राम के जीवन के लिए आवश्यकता है। एक सवाल, चूंकि ठंड बहुत थी, सुबह हम चाय की दुकान पे बैठे थे और एक महिला मिली। हम बार बार बता रहे हैं कि भगवान राम की दोनों मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित मतलब गर्भगृह में होंगी, लेकिन फिर भी लोगों का सवाल ये है कि ये जो भगवान राम है जिनकी अस्थायी मंदिर में पूजा हो रही है, ये वाले भगवान राम कहाँ जाएंगे और जो नए वाले भगवान राम है वो कहाँ लगेंगे? पूरी श्रद्धा, पूरी धार्मिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हुए दोनों विराजित होंगे हमारे गर्भगृह में। एक अचल मूर्ति होगी जो कि खड़ी मूर्ति जो नई वाली है, जो नई है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और जो ऑलरेडी प्रतिष्ठित हैं वह भगवान उसी सिंहासन में उनके समक्ष होंगे, और केवल एक दूसरे की समझ के लिए अचल मूर्ति को अचल मूर्ति समझा जाएगा, वो कहीं मूव नहीं करेगी, और अचल मूर्ति के ठीक सामने उत्सव मूर्ति होगी, जहाँ पूरे केवल रामलला ही नहीं, रामलला के साथ उनके भ्राता जो हैं वो भी वहाँ पे होंगे, हनुमान जी का भी स्वरूप जो वहाँ है वो भी होगा, शालिग्राम जी जो वहाँ रखे हुए हैं वो भी होंगे। तो इस प्रकार जो भी वहाँ है वह 21 तारीख तक ट्रस्ट उन भगवान को यहाँ लाने की व्यवस्था तो करेगा। ये जो उत्सव मूर्ति है जो अभी अस्थायी मंदिर में है, ये कब पहुँचेगी अपने घर में? उसी को मैंने कहा कि 21 जनवरी तक उसको यहाँ लाने की व्यवस्था करेगा। इसीलिए ट्रस्ट असमंजस में है कि संभवतः आरती होगी, उनकी पूजा होगी, लेकिन श्रद्धालु कदाचित 21 तारीख को उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वहाँ से नए स्थान में विराजमान। क्या रामलला के लिए श्रद्धालु जो एक दिन का तो त्याग कर ही सकते हैं? और 22 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 तारीख से सभी लोग इस रास्ते की बजाय इधर मुड़ेंगे, परकोटा में जाएंगे, परकोटा से नीचे चल करके और सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे और भगवान के मंदिर में। 23 तारीख से ये जाली वगैरह ये हट जाएगी, एंट्री इधर ही से होगी? जी जी बिल्कुल, 23 तारीख से यहाँ कुछ नहीं रुकावट होगी, केवल श्रद्धालु होंगे और उनके भगवान राम लला होंगे। तो जो सेकंड फ्लोर का काम है, फर्स्ट फ्लोर का काम है, उसमें बाधा नहीं आएगी, दर्शन भी होता रहेगा? हम पूरा जो L&T है वो पूरी तरीके से इस प्रकार बैरिकेड कर रही है। हम इस समय जब वहाँ बैठते हैं आपस में तो 1 से 2 घंटे तक केवल यही चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से सेफ्टी हो, किस प्रकार से किसी श्रद्धालु को एक जरा सी भी असुविधा नहीं हो, तो वह किया जा रहा है और वो सुनिश्चित किया जाएगा। मुझे याद है 2022 में एक बार मैंने आपका जब इंटरव्यू किया तो आपने कहा कि जब मैंने ही पूछा था कि जब प्रधानमंत्री जी मिलते हैं आपसे तो ये ज़रूर पूछते होंगे, नृपेन जी कितना अभी काम हुआ, कितना बाकी है, अभी भी पूछते हैं क्या? जी उनको पूरी जानकारी है, कभी कभी तो मुझे आश्चर्य होता है कि उनको जानकारी इतनी कैसे मिली। किस तरह का सवाल करते हैं? उदाहरण के लिए जब मैं कुछ माह पहले मिलने गया था तो उन्होंने जानकारी चाही थी कि किस प्रकार के पत्थर में भगवान के जो स्कल्प्टर्स हैं वो कृति कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता कैसे जांच की जा रही है, ये वो जानना चाहती थी। कुछ पत्थर उन्होंने देखे भी। अच्छा। और देख करके उन्होंने एक वो राय विशिष्ट इस प्रकार नहीं देते कि आपको यह करना है, लेकिन उन्होंने ये अवश्य कहा था कि भारतवर्ष का जो श्रद्धालु है, और भारतवर्ष में ही नहीं जो पूरे विदेश देश सभी जगह जो श्रद्धालु है, ऐसे श्रद्धालुओं को ऐसे भगवान चाहिए जो सरल लला हों, जो समचरण हों, और एक संकेत मात्र उन्होंने कहा था कि ऐसा आप नहीं प्रयास करिए कि मिसप्लेस्ड वाइट मार्बल पे ही उसकी सीमा मत डालिए, ये आप स्कल्पर पे छोड़िए, और यदि श्यामल वर्ण के भगवान आते हैं क्योंकि रामचरितमानस में तो भी लिखा हुआ है, उचित होगा जी। संकेत मात्र था, वो आज बात सच हुई, लेकिन उनका संकेत ये अवश्य था कि यदि श्यामल वर्ण के भी भगवान राम बनते हैं
और आपके सारे मापदंडों पर वो बिल्कुल उसके अनुकूल हैं, तो आप उसको स्वीकार करें। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के सुझाव के आधार पर? नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री जी इस निर्माण कार्य में कहीं पर भी उन्होंने दो चीज़ों को छोड़ करके बाकी सभी चीज़ों की उन्होंने जानकारी की, लेकिन कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया। एक तो उन्होंने हमें अच्छी तरह से उसका अनुपालन हम कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ऐसे महान पुरुषों का आप मंदिर अवश्य बनाएं जिनका भगवान से कहीं न कहीं मिलन हुआ था, जो एक प्रकार से सामाजिक समरसता, देश के समाज की समरसता को प्रतिबिंबित करते हैं। दूसरा उन्होंने यह कहा था कि इतने बड़े मंदिर में जहाँ हजारों वर्ष की चर्चा चल रही है, उस मंदिर में टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सको तो करना। क्या क्या हुआ? और उसमें टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख उपयोग उनका संकेत था, यदि ऐसा हो सके कि सूर्य की किरण गर्भगृह में आ सके, यानी जो शिखर होगा जहाँ झंडा लगा जी, है जी जी जी, वो जो शिखर 161 फीट का होगा, उससे अगर गर्भगृह में सूर्यकिरण आ सके और वो फिर रिफ्लेक्ट हो सके, और रिफ्लेक्ट हो करके रामनवमी के दिन वो माथे पर भगवान के 12 बजे दिन में यदि उसका किरण पड़े, तो टेक्नोलॉजिकली भी एक अपने में अनोखा प्रयास होगा, और जगहों पे कुछ जगहों पे हुआ है। और राम की जन्म कथा से पूरी तरीके से एक तरीके से जो करोड़ों की उम्मीद है कि रामलला रामनवमी के दिन हुए 12 बजे और इस प्रकार का सूर्यवंशी थे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। ऐसे दो सुझाव तो विशिष्ट थे, बाकी में उन्होंने कभी ऐसा सुझाव नहीं दिया कि उसे अवश्य करना है। वह स्वभाव से ही अपने को जानकारी भी रखते हैं, लेकिन डिस्टेंस भी रखते हैं, और वैसा ही उन्होंने मंदिर के प्रति हमेशा जानकारी की कि कोई कठिनाई तो नहीं है, लेकिन यदि कोई कठिनाई नहीं है तो वो अपेक्षा करते हैं कि निर्माण का कार्य पूर्ण हो। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए निपेन जी, जिनके बारे में कह सकते हैं राम काज कीजिए बिना मोहे कहाँ विश्राम। तो फिलहाल रिटायरमेंट की एज है, लेकिन विश्राम नहीं करते हैं, सुबह उठते हैं, दिन भर बैठके करते हैं, कार्यक्रम किस तरह होगा, मंदिर कैसे बनेगा, एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं। और यही वजह है कि 2019 में फैसला आया, 2020 में ट्रस्ट का गठन हुआ, लेकिन मंदिर निर्माण में अगर टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ 1.5 साल, और 1.5 साल में मंदिर का लगभग 60% से ज़्यादा हिस्सा बनकर तैयार है, और 40% अगले 1 साल में तैयार हो जाएगा। तो बहुत बड़ा श्रेय भी है और बहुत बड़ी उपलब्धि भी निपेन शराब के लिए। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल एनडीटीवी के लिए राजेश गुप्ता और प्रमोद श्रीवास्तव के साथ रणवीर।